What we do here is go back, 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 back. जॉब कार्ड, शौचालय, पेंशन,
पेंशन में जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, आवास योजना है, सार्वजनिक संसाधन में जैसे हमारे गांव में कहां खड़ंजा चाहिए, कहां रोड चाहिए, कहां सीवर है की जरूरत है, किस दीदी को जल की मतलब किस दीदी समूह के एरिए में या किस एरिए में जल पेयजल की असुविधा होती है, ये सारी व्यतें हम सार्वजनिक संसाधन के अंतर्गत ऐड करते हैं। सामाजिक विकास योजना में हम सामाजिक कुरीतियों के ऊपर चर्चा करते हैं। सन 2018 में जब हम लोगों ने बीपीआरपी प्लान बनाया उसमें हमने शराब मुक्ति के लिए योजना बनाई थी। बीपीआरपी योजना हम लोग सबसे पहले समूह स्तर से बनाते हैं, उसके बाद उसे हम ग्राम संगठन स्तर पर समेकन करते हैं, फिर सार्वजनिक संसाधन और सामाजिक विकास योजना हम लोग ग्राम संगठन स्तर पर तैयार करते हैं। उसमें हम लोगों ने रैली भी निकाली, ग्राम सभा करने से पहले हम लोगों ने रैली निकाली, समूह की दीदियों के साथ मिलकर के रैली निकाला, जिससे जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे मतलब ग्राम सभा जब हमने प्रस्तुत किया उस समय हमारे ग्राम पंचायत में केवल 5 समूह चल रहे थे। हमारा बीपीआरपी प्लान ग्राम सभा करने से यह लाभ हुआ कि आज वर्तमान में हमारे पंचायत में 5 से 16 SHG चल रहे हैं। बीपीआरपी प्लान तैयार करके प्रस्तुत करने से हमारी समूह की अन्य दीदियां भी उनको भी ये लगा कि समूह से जुड़ने में क्या लाभ है, हमको समूह से बाहर रह करके जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता है वो योजनाएं हमें समूह के अंतर्गत मिल सकती हैं। इस तरह ग्राम सभा करने से हमारे पंचायत की बहुत सारी दीदियां ग्राम समूह यानी SHG से जुड़ी। दो हजार अठारह में जब हमने ग्राम सभा किया था उस समय हमारे 5 SHG की सारी महिलाएं मतलब उस समय हमारे SHG में 60 महिलाएं जुड़ी हुई थी, जो सभी लोग वहां ग्राम सभा में भाग ली और ग्राम सभा को हमारे सक्सेस भी बनाई। और सन 2019 में जब हम लोग बीपीआरपी प्लान बनाए उसके बाद ग्राम सभा किया तो उस समय हमारे ग्राम सभा में 153 दीदियां उपस्थित हुई थी। जब हम लोगों ने 2019 में ग्राम सभा करने का कार्यक्रम किया उस समय 2018 से 2019 एक साल के अंदर हमारे गांव में करीब 9 SHG बने नए। और 2019 का जब ग्राम सभा हम लोग करना स्टार्ट किए उस समय हमारे ग्राम सभा बैठक में 153 दीदियां भाग ली थी और वह अपने पंचायत में मतलब हकदारी योजना में उनको क्या चाहिए, किस दीदी को मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है वो जॉब कार्ड बनवाना चाहती हैं और शौचालय पेंशन, ऐसे सभी दीदियां आकर अपने अपने हक के लिए मांग की। आज नतीजा ये हुआ ग्राम सभा करने का, ग्राम सभा मतलब 2018 से 20 तक ग्राम सभा करने से जहां कुछ नहीं होने वाला था वहां हमारे अपने मांग करने पर 5 सड़क बनवाए गए, तालाब की खुदाई 5 करवाई गई,
जो व्यक्तिगत तालाब की खुदाई करवाई गई, जिसमें ये सारे तालाब समूह की दीदियों के खुदाई की गई हैं, जो मछली पालन के लिए उसका उपयोग आज कर रही हैं। 8 हैंडपम्प लगवाए गए हैं, जिससे कि जल की जो समस्या था वो भी दूर हो गया। स्ट्रीट लाइट पंचायत के मोड़ों पर लगवाए गए हैं, मंदिरों पे लगवाए गए हैं, जिनकी संख्या 5 है। सामूहिक शौचालय भी बनवाए गए। सीवर बार बार मांग करने पर इस बार 2020 के ग्राम सभा करने के बाद हमारे पंचायत में 150 मीटर दूर तक का सीवर भी लगवाया गया। पंचायत भवन हमारे पंचायत में नहीं था, वो भी आज बन रहा है। हकदारी योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बीपीआरपी प्लान जब बनाया था, उसके तहत हम लोगों के पास 26 लोगों का मनरेगा जॉब कार्ड के लिए नाम था, जिसमें हम लोगों को 26 लोगों का टारगेट था और सब 2600 लोगों को मनरेगा जॉब कार्ड मिला भी। शौचालय से वंचित 26 लोगों को हम लोगों ने शौचालय दिलवाया। वृद्धा पेंशन 44 लोग थे, जिसमें से 40 लोगों को मिल रहा है, बाकी 4 लोगों का अगले अप्रैल माह से शुरू हो जाएगा। विधवा पेंशन 3 लोगों का था, तीनों लोगों को मिल रहा है। दिव्यांग पेंशन के 2 पात्रता थे, दोनों लोगों का पेंशन भी मिल रहा है। 2 लोगों का राशन कार्ड बनवाना था, वो भी हो चुका है। उज्ज्वला गैस हम लोगों में था, लेकिन लॉकडाउन यानी कोरोना काल के कारण ये स्थगित हो चुका था, यानी बंद हो गया था, इसलिए केवल 15 लोगों का हुआ है। जो इसके बाद मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, ये योजना ऐसा योजना है, जैसे कुछ गरीब परिवार होता है जो अपनी बच्चियों का विवाह संपन्न नहीं करवा पाते हैं अच्छी तरह, इनके लिए ब्लॉक लेवल से सामूहिक विवाह करवाया जाता है, जिनमें उन्हें कुछ धनराशि और सामान भी वितरण किया जाता है और विधि विधान के साथ शादी भी होता है। ऐसे में हम लोगों ने 6 लोगों का सामूहिक विवाह करवाया। विवाह कन्या अनुदान, ये भी हम लोगों ने 6 लोगों का करवाया है। लेबर कार्ड, श्रमिक कार्ड हम लोगों ने 112 लोगों का बनवाया। आयुष्मान कार्ड 92 लोगों का बना है। इसके साथ हम बहुत ज़्यादा अधिक नहीं बोलना चाहेंगे। इन सभी कार्यों में हमारी केरला कुटुंब श्री की मेंटर एफसी विभव भैया, डीएमएम जो क्षेत्र हम लोगों के क्षेत्र में आते रहते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है। उनकी सहायता से हम लोग अपना ये कार्य बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती सुमन देवी धौरहरा धरोहरा सुमन देवी। मढ़ैया सभी दीदी को और भैया लोग को नमस्ते। मेरा मैं सेवापुरी ब्लॉक से आई हूँ। मेरे ग्राम का नाम मड़ैया है और मेरा नाम सुमन देवी है और मैं आजीविका सखी हूँ। आजीविका सखी इसमें बहुत लोग होंगी।
जिसको कहते हैं कृषि सखी और पशु सखी। तो हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़ा हुआ रोजगार महिलाओं को दिलवाते हैं, जैसे कि पशुओं का बीमा करवाना हो, फसलों का बीमा करवाना हो, ये सब काम करवाते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं को पशु लोन भी दिलवाते हैं और जैविक खेती करवाते हैं। 6 महीने तक हमने जैविक खेती करवाया, इसके बाद अब हम शुरू किए हैं प्राकृतिक खेती, जिसमें होती है 0 बजट पे खेती, बिना पैसा खर्च किए हुए खेती करवाते हैं, जिसमें कि एक देसी गाय हम लोग दिलवाते हैं गौशाला से, उसका हर महिला को 900 रुपये महीना भी मिलता है और उसको मुफ्त में गाय भी मिलता है, उस गाय को खिलाने पिलाने के लिए 900 रुपये भी मिलता है, और वो गाय दूध नहीं देती है, वो गाय गोबर देती है, गौमूत्र देती है, जो कि हम लोग गाय के गोबर से और गौमूत्र से दवा बनाना सिखाते हैं। उस दवा से जो खेती हम लोग करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक खेती, उसका मार्केट में पैसा ज़्यादा मिलता है प्राकृतिक खेती की। उस सब्जी की जांच होती है, इसके बाद उसको मार्केट में बेचा जाता है। पहले तो हम जो करवाते हैं अपने यहाँ प्रेरणा पोषण वाटिका बनवाएं, उस पर हमने ये दवा का इस्तेमाल किया और देखा कितना अच्छा है। इसके बाद हम अपने यहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस पर ये सब्जी देते हैं, जिसके कि 6000 महीने हमको मिल जाता है। इसके साथ साथ हम लोग मछली पालन भी करवाते हैं। हमारे यहाँ एक महिला थी, 25000 मछली पालन के लिए पैसा लेकर तालाब खुदवाया और मछली पालन किया, साल भर में उनको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का। ये मेरी सलाह है आप लोग से, आप लोग भी मछली पालन करिए, जो भी एक विषय में तालाब हो, 2 विषय में तालाब हो, आप 25000-30000 समूह से पैसा लेके मछली पालन कर लीजिए। इसके बाद साल भर में देखिए आप लगभग उसमें से 2 लाख-2.5 लाख कमा लेंगी। उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने अच्छे से उसको अटेंड कर लिया। इसके बाद हम लोग बकरी पालन भी करवाते हैं। बकरी पालन में हम लोग उनकी सहायता ये करवाते हैं कि समूह से कुछ पैसे लेके बकरी दिलवा देते हैं। इसके बाद एक एक बकरा उन लोग का 14000-14000 का बिकता है। एक महिला ने 12000 समूह से पैसा लिया, एक बकरी खरीदा और एक भैंस खरीदा। उन्होंने भैंस का बच्चा खरीदा था जो 6000 का मिला, और 4000 का बकरी, बाकी उन्हें खाने पीने का सामान खरीदा। इसके बाद 2 साल में उन्होंने 4 बकरे बेचे, जिसका उनको प्रॉफिट हुआ 40000 का। एक एक बकरा उनका बिका था 14000-14000 का, ठीक है, काफ़ी वो महिला कमा ली। इसके बाद तारीफ भी कर रही थी कि हमने इतना कमाया, आपने हमें इतना सहयोग दिया, हमने इतना कमा लिया। और इसके बाद हमारे यहाँ महिलाएं फूल की खेती करती हैं। फूल की खेती आप जानती हैं, जिंदा है तो भी चढ़ रहा है, मुर्दा हो गया तो भी चढ़ रहा है, तो किसी आधार से नहीं कह सकते तो उससे हानि होने वाली है। जब सूख जा रहा है तो उसका पाउडर बना के उसका अगरबत्ती बना ले रही महिलाएं। एक लोग खेती कर रही है फूल का, 10-12 महिलाएं फूल का गजरा बना रही हैं, एक गजरे का 1 रुपये पाती हैं। रात में 2 घंटा गजरा बनाती हैं, लगभग 200-300 गजरा बना लेती हैं, 300 रुपये वो लोग शाम को कमा लेती हैं, दिन में करेंगी तो 1500 ऐसे कमा लेती हैं। और हमारे यहाँ महिलाएं मशरूम की खेती करती हैं, हम करवाते हैं मशरूम की खेती। 100 रुपये का हमने बीज, 1 केजी मशरूम लाया था, उसको 1 महीने में मशरूम तैयार हो गया। 2500 का मशरूम उन्होंने बेचा 100 रुपये में 1 केजी। तो ये सब खेती करने से महिलाओं को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। इसी बात से हम अपनी वारी को विराम देते हैं। सभी दीदी को मेरा नमस्ते। उन्होंने बेचा 100 रुपये में 1 केजी। तो ये सब खेती करने से महिलाओं को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। इसी बात से हम अपनी वारी को विराम देते हैं। सभी दीदी को मेरा नमस्ते।
आप सभी से आग्रह है कि अपना लंच करने के बाद लंच पैकेट कूड़ेदान में ही डालें, इधर उधर फेंकने से गंदगी फैलेगी, फिर हम ही लोगों को बैठना है, तो सफाई का ध्यान रखते हुए वो अपना लंच पैकेट कूड़ेदान में ही रखें तो आपको भी अच्छा लगेगा। सरिता जी, गुड़िया, गुड़िया से सरिता जी हैं, ये आपके साथ अपना अनुभव साझा करेंगी। सभी दीदी और भैया को नमस्ते। और आगे बढ़ जाइए। मैं सरिता देवी हूँ, मेरे ग्राम मैं गुड़िया ग्राम सभा से हूँ और मेरे समूह का नाम है भोले बाबा स्वयं सहायता समूह और मेरे ग्राम संगठन का नाम है आदि शक्ति महिला आजीविका ग्राम संगठन। मैं अपने ग्राम संगठन में आजीविका सखी के पद पे काम करती हूँ, मतलब कि कृषि सखी और पशु सखी का काम करती हूँ। इससे संबंधित जो भी कार्य है हम अच्छी तरह से अपना सब करते हैं, सब अपना जैविक खेती, पशु का टीकाकरण और जो मशरूम फूल की खेती से संबंधित ये सब, पशु से संबंधित और खेती से संबंधित सारी कार्य मैं अपने अच्छे से कर लेती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने बच्चों और अपने पति की सहायता लेकर समूह से लोन लिया, लोन में 50,000 रुपये लेकर हमने दुकान किया है, दुकान में सिलाई सेंटर डाला है जो मैं 2 घंटे जाके देखती हूँ। उसके साथ मैं तो अपने बच्चों की सहायता और पति की सहायता से उसमें हम श्रृंगार का और कपड़े का भी दुकान डाले हैं और इससे अच्छे से हम 15-20 हज़ार महीने कमा आ जाती है उसमें से, हमें दुकान से हमें प्रॉफिट हो जाती है और हम अपना अच्छे से पूरा कार्य संभाल ले रहे हैं। अपने घर पर ही रहकर अपने गांव में पूरा आजीविका सखी का काम कर ले रहे हैं, इसके साथ साथ ही हम अपना दुकान का कार्य भी संभाल ले रहे हैं। ऐसे ही हम चाहेंगे कि सभी दीदियां समूह की सहायता से, सभी दीदियां अपना कोई ना कोई रोजगार करें, समूह से पैसा लेकर किसी का दुकान कर लें या समूह से पैसा लेकर भैंस खरीद लें या कोई भी कार्य समूह से पैसा लेकर वो कर सकती हैं। इसी के साथ साथ हम आप सभी को धन्यवाद। सरता जी, राधा देवी जी, हाथी, राधा देवी जी, ग्राम हाथी, थोड़ा सा उत्साहवर्धन अगर होता रहे अपनी सखियों का तालियों से तो इनको भी अच्छा लगेगा यहाँ आके बोलने में। सभी दीदी को नमस्ते, सभी दीदी को नमस्ते। मेरा नाम है राधा देवी, मेरा गांव हाथी बाजार, हमारे समूह का नाम दीपक महिला स्वयं सहायता, उसमें मैं सदस्य हूँ और हमारे ग्राम संगठन का नाम खुशी महिला ग्राम संगठन जिसमें मैं पदाधिकारी हूँ और हमारे CLF का नाम है CLF जिसमें मैं सखी समूह का काम करती हूँ। और सभी दीदियों को मेरा नमस्कार और मैं यही बताना चाहूँगी कि गरीबी तो सरकार हम लोग को पहले से ही दे रखा है लेकिन अब उसको दूर करने की बारी आई है। पहले था गरीबी का कारण लाल कार्ड पीला कार्ड लेकिन अब सरकार एक समूह फैला दिया है जिसके वजह से सारी महिलाएं सतर्क और व्यावसायिक हो गई हैं और उन्हें इसमें कार्य करने का पूरा हक दिया जा रहा है जिसके वजह से सब किसी को न किसी को बेरोजगार न किया जाए, हर महिलाओं को कोई ना कोई काम जरूर मिल रहा है, चाहे वो काम बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, मिल तो रहा है ना, लेकिन कुछ मिले ना मिले, कहीं आने जाने से हम लोग को कुछ जानकारी तो मिल रही है। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। धन्यवाद राधा जी। अब हम बुलाना चाहेंगे कुसुम जी को, पहाड़िया, कुसुम जी पहाड़िया, अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो आपसे आग्रह है कि आप आएं और अपना अनुभव हम लोगों के साथ साझा करें। कुसुम जी,
कुसुम जी पहाड़िया, ये लग रहा है अभी यहाँ पे नहीं है, तब तक हम बात कर लेते हैं संगीता जी से। संगीता देवी ग्राम पश्चिमपुर पिंडरा, संगीता देवी ग्राम पश्चिमपुर पिंडरा, ये आपके बीच आपसे अपना अनुभव बताएंगी। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम संगीता देवी, मेरे समूह का नाम भोलेनाथ महिला स्वयं सहायता समूह, मेरे ग्राम संगठन का नाम पश्चिम, मेरे ग्राम संगठन का नाम डी बाबा आजीविका महिला ग्राम संगठन है। मैं ग्राम पश्चिमपुर पोस्ट जमालपुर और ब्लॉक पिंडरा जिला वाराणसी से की रहने वाली हूँ। यहाँ पहले मेरी स्थिति बहुत ही खराब थी और मैं कुछ सब मैं पढ़ी लिखी महिला, लेकिन मैं कोई रोजगार नहीं कर पाती थी। फिर उसके बाद मेरे गांव में आई सीआरपी दीदी लोग आईं और समूह बनाने उस समूह में मैं जुड़ गई। धीरे धीरे मेरे सुधार होने लगा। सुधार होते होते फिर हमारे समूह में राशन की दुकान जो होती है कोटई का, वह मुझे मिला और मैं अपने गाँव में राशन बाँटने लगी। आज मैं अपने गाँव में सभी लोगों को राशन बाँटती हूँ और मेरे गांव के सभी लोग संतुष्ट हैं मुझसे। पहले जो मेरे गांव में राशन बांटता था वह सही से राशन नहीं देता था, वह लोगों को फिंगर लगाने के बावजूद भी राशन नहीं देता था। और मैं जब से कोटा ली हूँ हमारे यहां सभी लोग संतुष्ट हैं, राशन लेकर जाते हैं। मैं आरएलएम टीम को धन्यवाद करती हूँ, यहाँ सभी दीदी को धन्यवाद। धन्यवाद संगीता जी। प्रियंका मौर्य जी ग्राम कोयरीपुर खुर्द पिंडरा, ये आपके साथ अपना अनुभव साझा करेंगी। आपसे आग्रह है कि तालियों से थोड़ा इनका उत्साहवर्धन करें ताकि इनकी झिझक खत्म हो। आप सभी दीदियों और यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथि और था सर को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका मौर्य है, पति का नाम जयशंकर मौर्य है, मेरे ग्राम का नाम कोरीपुर खुर्द पिंडरा ब्लॉक से मैं आई हुई हूँ। मेरे समूह का नाम रिद्धि सिद्धि स्वयं सहायता समूह है। मैं इस समूह में 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ इस समूह में। मैं जब इस समूह में नहीं जुड़ी थी तो इससे पहले मेरी परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर पे कुछ रोज़गार नहीं कर पाती थी। रोज़गार नहीं कर पाती थी तो मेरी परिस्थिति काफ़ी ख़राब थी। जब मुझे स्वयं सहायता समूह के बारे में पता चला जब मैं जुड़ी इसमें, तो इसमें काफ़ी रोज़गार थे, जैसे कि इसमें आंगनवाड़ी में पोषा आहार, कोटेदार का मिलना, काफ़ी योजनाएं थे। जब मुझे पता चला कि इसमें यूपीपीसीएल द्वारा कुछ काम निकला है जिसमें बिजली बिल का कलेक्शन करना है और था रीडिंग करना है, तो मुझे मोबाइल की थोड़ा नॉलेज ज़्यादा थी। पढ़ी लिखी होने के कारण इसमें मुझे कार्य मिल गया जिसके कारण मैं बिजली बिल कलेक्शन करती हूँ। बिजली बिल कलेक्शन करने में मुझे 1000 घर का मिला है, जिसमें कि हमको घर घर जाकर बिजली बिल का कलेक्शन करना है, जिसमें हमको हर बिल पे 20 रुपये मिलता है और पर रीडिंग पे 5 रुपये, और जिससे मेरी आमदनी थोड़ा ज़्यादा हो गई, थोड़ा हो रही है, जिससे घर की स्थिति, मैं कम से कम महीने में 5 से 6 हज़ार महीने कमा लेती हूँ, और जिससे मेरी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। मुझे पता नहीं था कि मैं मोबाइल के जरिए भी कभी काम कर पाऊँगी। चलाते चलाते मुझे पता चला कि मोबाइल से भी कुछ काम हो जाएगा, इससे मुझे अनुभव मिला तथा हमारे गांव सभी एनआरएलएम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पे आई, आज इस स्टेज पर हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। इसलिए मैं सभी एनआरएलएम टीम और बीबीएम डीडीएम सर को मेरा धन्यवाद, सभी धन्यवाद।
सभी दीदी और सर को नमस्ते। मेरा नाम है सिंधु सिंह, ग्राम दीपापुर, पोस्ट राजातला, जिला वाराणसी। मैं आराजी लाइन ब्लॉक से हूँ। मेरे समूह का नाम है बरम बाबा स्वयं सहायता समूह, मैं उस्मान अध्यक्ष हूँ। और मेरे ग्राम संगठन का नाम है वैष्णो माँ महिला ग्राम संगठन, मैं अपने गांव में समूह सखी के पद पे कार्य करती थी और अब मैं FSCRP और अपने FPO की BOD मेंबर भी हूँ। दीदी देखिए, अभी हम लोगों ने समूह में जुड़ा, हम लोगों को पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन हम समूह में जुड़ने के बाद हम लोगों को बहुत काफ़ी ज्ञान हुआ, बहुत काफ़ी जानकारियाँ मिली। इसमें हम लोग पैसे के साथ साथ और बहुत, हम लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता था, मोबाइल चलाना भी आ गया और हम लोगों ने धीरे धीरे सोच लीजिए अपनी गरीबी से ऊपर उठने लगे। जितना कि हम लोगों के पास पहले, हम लोग जिस अपनी स्थिति को हम लोगों ने सुधार लिया, जैसे कि दीदी हम लोगों को नहीं पता था उत्पादक समूह के विषय में, तो समूह के ही जरिए हमारे गांव में पहले हम आंध्रा से आई दीदियों ने 6 समूह बनाया था। 6 समूह के बाद हमारा, अब हमने समूह सखी का जब काम किया तो हमने 14 समूह बनाया, जिससे हमारा समूह बहुत अच्छे से चलता है दीदी। और अब हम FPO भी अपने गांव में बनाए हैं, जिसमें कि उत्पादक समूह बनाए, उत्पादक समूह के जरिए फिर हमारे गांव में दीपापुर में एक FPO बना है जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। हम 1500 किसानों के अध्यक्ष हैं, जिसमें हम लोग अपनी उपज को, अपने उत्पादक मतलब जिस, या सब्जी हो या धान हो या गेहूँ हो, कोई चीज़ भी हो, हम उसको अच्छे रेट में मार्केट में सीधे बेचते हैं और हम लोगों को अब बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अभी, हम लोगों ने हाल ही में अपना काम शुरू किया था, जिसमें कि हम लोगों ने ये बिचौलिया लोग जो थे, ये लोग 12 रुपए की दर से धान ले रहे थे हम लोगों का। हम लोगों ने फिर समूह में, हम लोगों ने अपना 15 रुपए में अपने किसानों का धान लिया और हम लोगों ने बिहार में मुंडेश्वरी राइस मिल में 17 रुपए की दर से हम लोगों ने अपना धान बेचा, जिससे हमारे समूह को अच्छा प्रॉफिट हुआ और किसानों को भी। हम लोगों ने 40 दिन के अंदर 15 लाख रुपए का हम लोगों ने काम किया, जिसमें हमारे किसानों को बहुत अच्छा फायदा मिला। और वो सोच लीजिए सभी किसान बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे और वो लोग अभी भी और भी देना चाहते थे, लेकिन दीदी अब हम लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि हम लोगों का जैसे धान का सीजन अब खत्म हो गया, अब हम लोग गेहूं का करेंगे, सब्जी का करेंगे, जिसमें हमारा सपना है हम सभी दीदियों को मिलकर कि हम लोग अपना FPO को आगे बढ़ाएं और उसमें हमारी 1-2 हज़ार दीदियाँ काम भी करें, जिसमें वो लोग आगे बढ़ें, अपने घर वालों का मदद करें जिससे वो आगे बढ़ें। और दीदी देखिए, हम लोगों को पहले ये सब नहीं पता था, लेकिन समूह में जुड़ने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ पहुँच जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे देखिए हम लोगों को कितना अच्छा लग रहा है। दीदी हम लोग पहले नहीं जानते थे समूह के विषय में, जब समूह बनाने के लिए आए तो हम लोग नहीं जुड़ रहे थे कि समूह बनेगा, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पैसा जैसे होता है पल्स वाला था लेकर किसी का भाग गया, ऐसे ऐसे होता था ना, तो इस डर से सभी लोग नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने, कुछ लोगों ने अपना जुड़ा। उसी तरह से हम लोगों ने अपने धान का भी किया और हम लोगों का बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला, इसलिए हम लोगों का मनोबल और बढ़ा। इसमें हमारे सहयोग करने वाले सर हैं, BMM सर हैं, DMM सर हैं, जिसमें कि प्रदीप सर, शशांक सर और राहुल सर, ज़रूरत पड़ने पर हम लोगों को सरवन सर भी हेल्प करते हैं, जिसमें हम लोग अपने कार्यों को अच्छे से कर लेते हैं और हम आज इस लेवल तक पहुँचे हैं। और दीदी देखिए, अगर अपने आप को मतलब आगे बढ़ाना है, अपने समूह को आगे बढ़ाना है, तो हमको अपने समूह को अच्छे से चलाना पड़ेगा। अच्छे से चलाएंगे और हमें जब सरकारी चीज़ों का जानकारी होगा, जैसे कि हमारे समूह के ही माध्यम से, सोच लीजिए कि अब सारा चीज़ हमारे समूह में ही आ रहा है, राशन बांटने के लिए भी हम लोग के समूह में ही आ गया, जो जिसको राशन नहीं मिलता था उसको भी राशन मिलने लगा और हमारे किसानों को अच्छा दाम भी मिलने लगा। और उसके बाद हर एक चीज़ अब हमारे समूह के जरिए ही गांव में सड़क, नल, ये सारे चीज़ों की व्यवस्था हो रही है, तो हमारे लिए समूह अच्छा चीज़ है ना। और दीदी देखिए, हम लोगों को जो भी करने, जैसे कि हम लोगों को कोई भी कार्य करने में पहले थोड़ा जैसे डर सा लगता है, लेकिन हम लोग अगर डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कैसे, वहीं के जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। और दीदी देखिए, हम ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोगों ने अपना जो धान बेचा,
हम लोगों के धान से बिचौलिया लोग जो थे वो लोग परेशान हो गए। वो लोग बोले कि आप लोग ये क्यों कर रही हैं, आप लोगों को करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, हम कहीं बिना फायदा का ही कोई कोई कार्य करता है। तो बोला कि आप लोग हम लोगों के पेट पे लात मार रहे हो, हम लोगों ने तो हम कहे आपको जब नहीं फायदा है तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का दीदी जो भी कार्य था बहुत अच्छे से हुआ और हम लोगों ने 40 दिन के अंदर अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, जिससे हम लोगों को बहुत खुशी मिली। और दीदी हम आप लोगों को एक गीत भी सुनाने जा रहे हैं, अगर कोई टूटी होगी तो क्षमा कीजिएगा। बहना मिलकर समूह को बनाना, बहना मिलकर समूह को बनाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। बहना मिलकर समूह को बनाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। जिंदगानी है कागज की पुड़िया, पवन चले उड़ जाना। बहना मिलकर समूह को बनाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। बहना मिलकर समूह को बनाना, जिंदगानी है माटी का ढेला। जिंदगानी है माटी का ढेला, बूंदे पड़े गल जाना। बहना मिलकर समूह को बनाना, बहना मिलकर समूह को बनाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। जिंदगानी है कागज की पुड़िया, पवन चले उड़ जाना। बहना मिलकर समूह को बनाना, जिंदगानी का क्या है ठिकाना। सभी दीदी को धन्यवाद। है तो ऐसा सही है। गरीबी से लड़ने वाले चलो साथ हमारे, गरीबी से लड़ने वाले चलो साथ हमारे, साथ हमारे चलो साथ हमारे। सूरज चांद सितारे चलो साथ हमारे, गरीबी से लड़ने वाले चलो साथ हमारे। साथ चलोगी बहना हिम्मत मिलेगा, साथ चलोगी बहना हिम्मत मिलेगा। कटते हैं दुखड़े सारे चलो साथ हमारे, गरीबी से लड़ने वाले चलो साथ हमारे। सूरज चांद सितारे चलो साथ हमारे, साथ हमारे चलो साथ हमारे। चलो बहना साथ हमारे, मिटते हैं दुखड़े सारे चलो साथ हमारे। गरीबी से लड़ने वाले चलो साथ हमारे, सूरज चांद सितारे चलो साथ हमारे। कहाँ गई दीदी, गई सभी दीदियों को नमस्कार मेरा, सभी दीदियों को नमस्कार मेरा। नाम अनीता पटेल है मेरा, नाम अनीता पटेल है मेरा। गाँव है गंगापुर पोस्ट मंगारी, गाँव
जिला और आरसी पिंड्रा ब्लॉक राजी है यूपी राजी है यूपी। मेरे सामू का नाम है विश्वकर्मा, उसी में सदस्य मैं रहती हूँ बहना, उसी में सदस्य मैं रहती हूँ बहना। सचिव है रेखा अध्यक्ष परमीला, कोष अध्यक्ष उसमें रहती सरिता, कोष अध्यक्ष उसमें रहती सरिता। मेरे ग्राम संगठन का नाम जय बजरंग बलिया जीव का है महिला, बी आर पी चंचल दीदिया है बहना। सभी दीदियों को नमस्कार मेरा, घर में रहने वाली बहना जरा बाहर निकलो बदलती है दुनिया कैसी, जरा बाहर निकलो। घर में रहने वाली बहना जरा बाहर निकलो बदलती है दुनिया कैसी, जरा बाहर निकलो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम दोनों हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम दोनों हैं भाई भाई। आपस में मत लड़ो जरा बाहर निकलो, घर में रहने आली बहना जरा बाहर निकलो बदलती है दुनिया कैसी, जरा बाहर निकलो। तेरा मस्जिद मेरा मंदिर, तेरा मस्जिद मेरा मंदिर, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह सबका है एक ही मालिक। जरा बाहर निकलो घर में रहने वाली बहना जरा बाहर निकलो बदलती है दुनिया कैसी, जरा बाहर निकलो। सभी दीदी को धन्यवाद। धन्यवाद। यह रीजनल सरस मेला आप सभी मातृशक्तियों के नाम समर्पित है। आपकी जीवटता, आपकी जिजीविषा, आपका संघर्ष और अपनी पहचान बनाने की एक ललक इस सरस मेले में रूपांतरित होती दिखती है और उसका सकारात्मक परिणाम है यह सरस मेला। आज आप सभी यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। रीजनल सरस मेला वाराणसी 2021 की सातवीं सांस्कृतिक संध्या, आप सभी श्रोताओं का, सुधा रसिकों का इस मुक्ताकाशी परिसर में हम आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारी आज की सांस्कृतिक संध्या बस शुरू होने जा रही है। इसमें पहली प्रस्तुति अनुष्का सिंह जी की है, जो आपके सामने शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। कुल तीन प्रस्तुतियां आपके समक्ष इनकी होंगी। पहली भरतनाट्यम से शुरू होकर शिव स्तुति और फिर आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये अपनी प्रस्तुति को विराम देंगी। श्री सतकेश सिंह जी की सुपुत्री अनुष्का सिंह जी, जीवनदीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर की ये छात्रा हैं। इससे पहले भी इन्होंने अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं नौ साधना कला एकेडमी, सुबह बनारस, 80 घाट की संध्या, सांस्कृतिक गंगा कार्यक्रम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा TFC बड़ा लालपुर में ही, CBSE स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन UP एनुअल कन्वेंशन महाकुंभ वाराणसी, और इसके अतिरिक्त अनेक मंचों पर इन्होंने अपनी कला की प्रस्तुतियां दी हैं।
बनारस का जब नाम हो और संगीत और नृत्य की चर्चा न हो, यह हो ही नहीं सकता। बनारस अपने आप में संगीत और नृत्य के रसिकों की, उनके उपासकों की नगरी है, उनकी खान है। यहाँ हर घर में, हर गली में कोई न कोई कला का उपासक आपको मिल जाएगा अपनी साधना में लीन। उसी में से एक नाम अनुष्का सिंह जी का है। हम ज़्यादा समय न लेते हुए बस इनको आमंत्रित करेंगे अपनी इन पंक्तियों के साथ। मुजस्समा है चांद का या है गुलाब तू, मुजस्समा है चांद का या है गुलाब तू, मैं देख कर नशे में हूँ ऐसी शराब तू। मुजस्समा है चांद का या है गुलाब तू, मैं देख कर नशे में हूँ ऐसी शराब तू। मेरी निगाह का हकीकी ख्वाब है या फिर रुमानियत भरी गज़ल की है किताब तू, रुमानियत भरी गज़ल की है किताब तू। यह किताब जो कला की है, हमारे आपके पढ़ने के लिए 10 दिनों का मेला लगा हुआ है। आप सभी से आग्रह है कि इन प्रस्तुतियों को देखिए, सीखिए और दाद दीजिए इन कला उपासकों का, इनका उत्साह बढ़ाइए अपनी तालियों से, ताकि ये और आगे जाकर मेहनत करें और नई ऊंचाइयों को छुएं अपने इस कला के क्षेत्र में। अनुष्का सिंह जी से आग्रह है कि आप अपनी प्रस्तुति हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, और आपसे आग्रह है कि तालियों के साथ हमारी इस छोटी बच्ची का उत्साहवर्धन करें रीजनल सरस मेला के इस मंच पे। धन्यवाद। Okay.
सार्थक है। पैसे और तोहफों के भूखे नहीं होते, आपकी तालियां, आपकी दाद ही इनका इनके लिए उपहार होती हैं, इनका उत्साहवर्धन करती हैं। और इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के बाद हमें लगता है कि यह बच्ची इससे कहीं ज़्यादा ज़ोरदार तालियों की हकदार है जो अभी इस हॉल में सुनाई पड़ रही हैं। यह आयोजन समिति अनुष्का के प्रति अपना आभार प्रकट करती है उनकी इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। हम श्री सुभाष मौर्य जी से जिला कृषि अधिकारी वाराणसी आग्रह करेंगे कि सर, हमारी इस आयोजन समिति की तरफ से अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर इस बच्ची का उत्साहवर्धन करें इस सरस मेला के मंच पे। क्षणों के लिए वे इतनी मेहनत करते हैं, जब आपके सामने वे अपनी प्रस्तुति दे पाएं और आप अपनी तालियों से, अपने आशीर्वाद से उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनका मानवर्धन करते हैं, तो वे और ज़्यादा मेहनत करने को और आगे बढ़ने को कृत संकल्पित होते हैं। अनुष्का इस मंच पे आई और इन्होंने अपनी प्रस्तुति हमारे समक्ष दी। आप सभी के तरफ से, इस आयोजन समिति की तरफ से हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और इनकी तरफ से हम कहना चाहेंगे, सुनो, इस तरह मुझ पर तोहफों, आपने अपना बेशकीमती वक्त इन कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए निकाला, इनको समर्पित किया, यही इनके लिए सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा पारितोषिक है। हम एक बार फिर अनुष्का का आप सभी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और अभिवादन करते हैं। बस कुछ पलों के विराम के बाद हमारी दूसरी प्रस्तुति श्री बाबुल श्रीवास्तव जी की। मंच तैयार होने में बस 2-3 मिनट लगेंगे, तब तक आपसे आग्रह है कि आप धैर्य बनाए रखें, हम 2-3 मिनट के बाद फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। प्रतिभा के लिए सम्मानित किया है। 2011 में व्यापार मंडल रामनगर द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ये निर्णायक मंडल की भूमिका में भी थे। 2017 में श्री चित्रगुप्त सभा काशी के कार्यक्रम में आदरणीय श्री सुनील शास्त्री जी द्वारा विशिष्ट सेवा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में ही भारतीय जन जागरण समिति एवं रोटरी क्लब वाराणसी साउथ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने इनको सम्मानित किया। 2017 में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक आवास रामनगर में शास्त्री जी के जीवन चरित्र को सुनाने का इनको अवसर प्राप्त हुआ है। 2017 में एक बार फिर नैनागढ़ महोत्सव में ये निर्णायक मंडल की भूमिका में थे और इसके अतिरिक्त विभिन्न शहरों में बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंचों पर ये अपनी सांगीतिक प्रस्तुति दे चुके हैं। आज की इस प्रस्तुति में इनके साथ तबले पे संगत करेंगे श्री अनिल जी, पैड पर इनके साथ देंगे श्री पंकज जी और बैंजो पर इनके साथ श्री संजय जी हैं। बस कुछ ही पलों में ये आपके समक्ष अपनी सांगीतिक प्रतिभा के साथ उपस्थित होंगे। धरती पर जब मानव ने जीवन नहीं लिया था, जब मानव का जन्म इस धरती पर नहीं हुआ था, संगीत तब भी इस धरती पर था। वह चाहे नदियों की कलकल में हो, हवाओं की सरसराहट में हो, चिड़ियों की चहचहाहट में हो, बिजली के गर्जन और तड़पन में हो, लेकिन संगीत किसी न किसी रूप में इस धरा पर अपना अस्तित्व बना चुका था। हम मानव ने जब से इस संगीत को समझना शुरू किया, जानना शुरू किया, इस प्रकृति से ही हमने संगीत के साथ सुरों को पकड़ा और उन्हें अपने समझने जानने के लायक बनाकर, सुरों में पिरोकर अपने आनंद के रूप में परिणित किया और उसी संगीत की प्रस्तुति इस रीजनल सरस मेला में 10 दिनों तक लगातार आपके सामने हो रही है।
आज सातवीं सांस्कृतिक संध्या, जिसमें श्री बाबुल श्रीवास्तव जी आपके समक्ष आ रहे हैं। हकीकत है या ताबीर ख्वाबों की, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम बाबुल श्रीवास्तव जी से आग्रह करेंगे कि वे अपनी प्रस्तुति हमारे इन कला रसिकों के समक्ष दें, और आप सभी से आग्रह करेंगे कि तालियों के साथ हमारे इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करें, इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करें। धन्यवाद। सुधीगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं बाबुल श्रीवास्तव अपने सभी सहयोगी कलाकारों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और एक भजन से अपनी संध्या का आगाज कर रहा हूं। ज्ञान घटे नर मूढ़ की संगत, ध्यान घटे नित विषय भरमाई, और तेज घटे पर नारी की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाई। प्रेम घटे नित ही कछु मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, दयालु कहे सुन रे मन मूरख, पाप घटे प्रभु के गुण गाए। मंगल दाता बुद्धि विधाता, शुभदायक श्री गणेश, मंगल दाता बुद्धि विधाता, शुभदायक श्री गणेश, चरण कमल पे शत शत वंदन, चरण कमल पे शत शत वंदन, ब्रह्मा विष्णु महेश, मंगल दाता बुद्धि विधाता, शुभदायक
विष्णु